पलामू लोकसभा से डीडी राम जी मिनिमम 7 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अब गढ़वा रंग का विधानसभा में मेरा चुनौती है महागठबंधन को कि 50,000 वोट ला करके दिखावे इस चुनाव में। स्वतः स्फूर्त है, अंडर करेंट है, लोग तो इसके लिए हड़बड़ी में रोज जाके सुबह मोबाइल में डेट देखते हैं कि आज कई तारीख हुआ, इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आता कि मैं भाजपा को वोट दे करके मैं थोड़ा उरीन होता। मोदी जी का जो काम है उनको लगता है कि वोट कर देंगे तो मोदी जी का जो ऋण है उनके ऊपर वो थोड़ा उरीन हो जाएंगे, ये हालत है। इस बार इंडिया एलायंस का हवा है, कह रहे हैं कि इस बार पूरा मजबूती के साथ है, 5 साल हमारी सरकार शानदार काम किए, लोग उसको देंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ईडी को जो बोलते हैं वो करता है, सीबीआई को जो बोलते हैं वही करता है, इनकम टैक्स को बोलते हैं वही करता है। बोले ये कोई इशू है? बीजेपी को भ्रष्टाचार खाली विपक्ष में दिखता है, अपने यहाँ नहीं दिखता है। जो लोग जा रहा है वहाँ वॉशिंग मशीन में धुला जा रहा है। लेकिन अभी आप देखे होंगे हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अभी उन्होंने अपना बेल फाइल किया था हेमंत जी। वो तो एक स्वायत्त संस्थान है, वो तो एक स्तंभ है, वहाँ पर आखिर इनको बेल क्यों नहीं मिला अगर इन पर कोई चार्जेज नहीं है? प्राइमा फेसी हाईकोर्ट को लगा कि भाई आदमी आरोपी है इसीलिए बेल नहीं दिया, वहाँ तो कोई ईडी का अफसर बैठा हुआ नहीं है। पलामू लोकसभा में इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए कि तीसरी बार पार्टी ने जिस पर विश्वास किया बीडी राम जी, वो अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, उनको फिर से जिताने की जद्दोजहद भाजपा कर रही है, तो वहीं उनके खिलाफ बोलने वाले के स्वर में ज़्यादा तेजी आई है। और इस बार आरजेडी ने ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया है, जो स्वयं बीजेपी के पार्टी में ही थी, उनकी कार्यकर्ता थी। पहली सेंधमारी इसे देख सकते हैं या कुछ और, वो आपका तर्क होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीडी राम को परेशान कर रहा है वो है गढ़वा, और गढ़वा के पूर्व विधायक नेता सत्येंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, इस बार कितना दम लगा रहे हैं आप? आपके यहाँ तो पोस्टर तक छप गया कि लापता हैं सांसद महोदय। पोस्टर तो इसे पोस्टर वार होते रहता है, राजनीति में ऐसे अफवाह होते रहता है। अगर आप स्पेसिफिक गढ़वा विधानसभा के बारे में जानना चाहते हैं तो गढ़वा विधानसभा में हम कह सकते हैं कि मिनिमम 2 लाख वोट आदरणीय बीडी राम जी को मिलेगा। क्यों मिलेगा आप सोचते होंगे, तो बी डी राम जी ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जो गढ़वा के लिए एक दिवा स्वप्न हुआ करता था, जैसे बाईपास रोड। हमें लगता है कि हजारों लोगों का जान चला गया उस रोड में जाम की वजह से। आज बाईपास रोड लोग बहुत दिनों से सोचते थे कि कब मिलेगा, तो बाईपास रोड आज धरातल पर उतर गया। आज भागोड़ी में चले जाइए, पावर ग्रिड बन गया, वो भी नेशनल पावर ग्रिड है, माने दिल्ली में लाइन होगा तो गढ़वा में भी लाइन होगा। इसलिए कुछ भैया जी के जान रहे हैं आप? भैया जी के जानते हैं? भैया जी कह रहे हैं सत्येंद्र तिवारी के 2 बार हराएंगे, एक बार आपकी लोकसभा में, 5-6 महीना के बाद विधानसभा होगी, गढ़वा का मुंह भूल जाइए, समझे? वो आपके कह रहे हैं कि कम से कम लीड तो 60-65 हज़ार का होगा गढ़वा में, ऐसा भैया जी कह रहे हैं। माने क्या आधार होगा उनका? वो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया एलायंस का हवा है, कह रहे हैं कि इस बार पूरा मजबूती के साथ है, 5 साल हमारी सरकार शानदार काम किए, लोग उसको देंगे। इस बार मोदी जी के नाम पर वोट नहीं होगा। हम आपको बता सकते हैं पलामू लोकसभा में अत्यधिक मत से यहाँ के प्रत्याशी लोकप्रिय बीडी राम जी चुनाव इसलिए भी जीतेंगे कि बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। आप गढ़वा के अगर आप भैया जी को कहिएगा, अभी भैया जी भी जाइएगा तब भरसक नदी किनारे पर बालू के ट्रिप वगैरह गिन रहे होंगे, अभी थाना में से हथियार क्रिमिनल लूट के ले जाएंगे, थाना में कोई नहीं होगा, सब नदी घाट पर है कि भाई एक आध को ट्रैक्टर पकड़ा जाता, थोड़ा बाल बच्चा के फीस वगैरह भरे में
सुविधा हो जाता है। तो लोग तो यहाँ पर मतदान इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो लोग यहाँ पर देख लिए कि भाई महागठबंधन के सरकार का झारखंड में क्या हफर हुआ, जिनके नेता जिनके मुख्यमंत्री जेल काट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ईडी को जो बोलते हैं वो करता है, सीबीआई को जो बोलते हैं वही करता है, इनकम टैक्स को बोलते हैं वही करता है। बोले ये कोई इशू है? बीजेपी को भ्रष्टाचार खाली विपक्ष में दिखता है, अपने यहाँ नहीं दिखता है। जो लोग जा रहा है वहाँ वाशिंग मशीन में धुला जा रहा है। नहीं, वाशिंग मशीन में धुल जा रहा है मैं ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अभी उन्होंने अपना बेल फाइल किया था हेमंत जी। वो तो एक स्वायत्त संस्थान है, वो तो एक स्तंभ है, वहाँ पर आखिर इनको बेल क्यों नहीं मिला अगर इन पर कोई चार्जेज नहीं है? प्राइमा फेसी हाईकोर्ट को लगा कि भाई आदमी आरोपी है इसीलिए बेल नहीं दिया, वहाँ तो कोई ईडी का अफसर बैठा हुआ नहीं है। इसीलिए ये सब देखिए बकवास बात है। अभी तो आरजेडी के लोग भी कहते हैं कि भाई ज़बरदस्ती हमको फंसा दिया, जबकि तो फंसे हैं कांग्रेस के ज़माने में। ये सब का कोई बहुत ज़्यादा माने मतलब नहीं है। देखिए आपको हम इतना ही कह सकते हैं कि पलामू लोकसभा से बी डी राम जी मिनिमम 7 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, और गढ़वा रंग का विधानसभा में मेरा चुनौती है महागठबंधन को कि 50,000 वोट ला करके दिखावे इस चुनाव में। ये हाल है, स्वतः स्फूर्त है, अंडर करेंट है। लोग तो इसके लिए हड़बड़ी में रोज जाके सुबह मोबाइल में डेट देखते हैं कि आज कई तारीख हुआ, इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आता कि मैं भाई भाजपा को वोट दे करके मैं थोड़ा उरीन होता। मोदी जी का जो काम है उनको लगता है कि वोट कर देंगे तो मोदी जी का जो ऋण है उनके ऊपर वो थोड़ा उरीन हो जाएंगे। ये हालत है, खास करके आप महिला को ही देखिए ना, हमें तो लगता है 99% महिला आज मोदी जी के साथ है। हाँ, वो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से जीते मतलब ईवीएम हैक है, बोल रहे लोग कौन जिन घुसा दे रहा बैठ के बाहर, बोल रहे ईवीएम पे तो डाउट है बहुत लोग कह रहा है। नहीं, उनका देखिए जब आदमी का कुछ होता नहीं है, कोई आधार नहीं होता है, तो इस तरह के अफवाह लगा के अपने को बचाने का लोग प्रयास करते हैं। हैक वगैरह कुछ नहीं है, उनका प्रॉब्लम क्या है नहीं, हर गांव में आप जानते हैं आधी आबादी महिला की है, अब महिला 100% भाजपा को वोट करते हैं, उनके पति पर वही हावी हैं कि नहीं भाजपा को वोट देना है। भाई पक्का घर दे दिया, शौचालय दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, महीने महीने राशन दे दे रहे हैं। अब मोदी जी ने तो कल की सभा में भी कहा है कि भाई अगले 5 साल तक या कंटिन्यूस हम राशन भी देते रहेंगे लोगों को। और सबसे बड़ा बात जो उन्होंने कल कहा आरक्षण को लेकर के, जो अफवाह इंडिया गठबंधन वाले उड़ा रहे हैं जब भाई अगर इस बार भाजपा का सरकार आ गया तो संविधान नष्ट कर देंगे, आरक्षण में कटौती कर देंगे, उन्होंने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण में एक रत्ती कम होने का तो सवाल ही नहीं है जब तक मोदी जिंदा है, उन्होंने कल के भाषण में कहा, कल के सभा में कहा। हाँ, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से मान लीजिए नहीं इंडोर स्टेडियम में बनवाया 6 करोड़ का। आजकल एक दिन ऐसे में जा रहे थे तो देखे ऊपर लिखल है कि शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम, नाम लिखो, अपना कुछ काम करो तो नाम लिखो। दरअसल इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है, और कह रहे हैं 7 लाख वोटों के डिफरेंस से बी डी राम जी जीतेंगे। दावे में कितनी सच्चाई है वो तो जब काउंटिंग होगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन जनता के दिल में क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में और लिखकर बताइएगा कहाँ जाना चाहिए, किस गांव का न्यूज़ आपको दिखाना चाहिए और किन का बयान आप तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.